MCQs of Chapter 2, Looking Around, Ear to Ear. Question 1. Which of the following animal have the skin shown in the above picture? Ye kiski skin hai? This is the skin of deer. Number 2. Which of the following animal have ears that you can see? Kiske kaan hume bahar se dikhai dete hain? Elephant. Next question. Choose the correct option. Elephant has hair on skin, has feather on skin, or none of these. Elephant. क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कान होते हैं, तो इसके शरीर पर क्या होते हैं? बाल. तो उसमें सही ऑप्शन होगा हैज हेयर ऑन स्किन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर्स दैट यू कांट सी, जिसके हिडन ईयर्स होते हैं, यानी बाहर से कान दिखाई नहीं देते, और वो होता है फ्रॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन यू सी द ईयर्स ऑफ द अबव एनिमल, क्या आपको इन सभी जीवों के कान बाहर से दिखाई देते हैं? नो, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द अबव पिक्चर ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स इवन दो वी कांट सी देम, ट्रू और फॉल्स? क्या ये बात सही है? यस, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर्स दैट यू कांट सी, जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते? पिक के दिखाई देते हैं, जिराफ के दिखाई देते हैं, बट फिश के दिखाई नहीं देते. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, जिराफ के कान दिखाई देते हैं, क्रो के नहीं दिखाई देते, और स्पैरो के भी नहीं दिखाई देते. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, डियर के दिखाई देते हैं, फ्रॉग के नहीं दिखाई देते, और फिश के भी नहीं दिखाई देते. नेक्स्ट क्वेश्चन. इज दिस एनिमल इज आवर नेशनल एनिमल, ये कौन सा एनिमल है? टाइगर. और टाइगर क्या है? हमारा नेशनल एनिमल. तो दिस सेंटेंस इज ट्रू. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एनिमल विद ईयर्स लाइक फैन, किसके पंखे की तरह होते हैं कान? दैट इज एलिफेंट. फॉलोइंग एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज, तो बर्ड वो देता है जिसकी बॉडी पर बाल होते हैं. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसमें आंसर होगा जिराफ. अ बर्ड हैज अ टाइनी होल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड, दोज होल्स आर कवर्ड विद फैदर्स, दे हेल्प द बर्ड टू हियर. क्या बर्ड के जो कान होते हैं वो होल की तरह होते हैं और वो फैदर से ढके होते हैं? इज दैट सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. एनिमल विद द ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, वो कौन सा एनिमल है जिसके कान जो होते हैं वो सिर के ऊपर होते हैं? एंड दैट इज रैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट ले एग्स, कौन अंडे देने वाला जानवर है? वो है स्पैरो, क्योंकि एलिफेंट, कैट और जिराफ, दे गिव बर्थ टू यंग वंस. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एनिमल विद द ईयर्स ऑन बोथ साइड, किसके सिर के दोनों तरफ कान होते हैं? दैट इज डॉग. फ्रॉग के तो कान होते ही नहीं, और रैबिट के जो होते हैं सिर के ऊपर होते हैं, और डॉग के साइड पे होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर दैट यू कांट सी, किसके कान हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, किसके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते? दैट इज क्रो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट ले एग्स, कौन अंडे देने वाला जानवर है? डियर गिव बर्थ टू यंग वंस, बफलो गिव बर्थ टू यंग वंस, इसका आंसर है स्नेक. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एनिमल थ्रू द स्किन, बताइए किसकी स्किन है? ये स्किन है ज़ीब्रा की. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट हैज ईयर्स यू कांट सी, किसके कान हमें दिखाई नहीं देते? दैट इज एंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एनिमल थ्रू द स्किन, एंड दैट इज चीता. और अगर इसके धब्बे बड़े होंगे और उसके चारों ओर सर्कल होंगे, देन दैट इज लेपर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रोकोडाइल हैज ईयर्स लाइक अ टाइनी होल्स, बट वी कांट सी देम इजीली. क्रोकोडाइल के जो कान होते हैं वो होल की तरह होते हैं, बट हमें दिखाई नहीं देते. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. एनिमल विद द ईयर्स लाइक लीव्स, लीव्स की तरह कान किसके होते हैं? होते हैं रैबिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. फ्रॉग. फ्रॉग के क्या हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या उसकी त्वचा पर बाल होते हैं? नहीं. हैज़ फेदर ऑन द स्किन, नहीं. फ्रॉग बर्ड भी नहीं होता. तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ये दोनों नहीं होंगे, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ईयर्स दैट यू कैन सी? टाइगर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन, कि विभिन्न प्रकार के जानवरों के जो शरीर पर पैटर्न होते हैं उनकी हेयर की अरेंजमेंट के कारण होते हैं. ये बात सही है? यस, इट इज ट्रू. Which of the following animal that gave birth to babies? Deer. Choose the correct option. Cat has hair on skin, has feather on the skin, none of these. Option A is the right answer, as hair on the skin. क्योंकि cat के external ears दिखाई देते हैं, इसके शरीर पर बाल होते हैं, इसलिए ये बच्चों को भी जन्म देती है. Next option. Choose the correct option. Duck has hair on skin, has feather on skin, या none of these. Duck के क्या होते हैं? Duck एक bird है और उसके external ears दिखाई नहीं देते हैं, और उसके फैदर्स होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? वो एग लेइंग एनिमल, हैज फैदर ऑन द स्किन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. लिजार्ड, यानी कि छिपकली. अब छिपकली के हैज हेयर ऑन स्किन? नहीं.
एज फैदर ऑन स्किन? नहीं। छिपकली जो है रेप्टाइल्स में आती है, रेप्टाइल मतलब रेंग कर चलने वाले जानवर, इसमें आपके टर्टल आते हैं, क्रोकोडाइल आता है और ये लिजार्ड आती है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट हैज हेयर ऑन इट्स स्किन? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट ले एग्स? अंडे देने वाला जानवर कौन है? एलिफेंट तो गिव बर्थ टू यंग वंस, कैट भी गिव बर्थ टू यंग वंस, द करेक्ट आंसर इज फिश। आइडेंटिफाई द एनिमल थ्रू द पैटर्न एंड दैट इज स्क्विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिजन। पिजन हैज हेयर ऑन स्किन? नो। हैज फेदर ऑन स्किन? यस, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कैमल हैज हेयर ऑन स्किन? करेक्ट है। हैज फेदर ऑन स्किन? रॉन्ग है, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। कैमल एक मैमल है, मैमल मतलब ये वो होते हैं जो कि जन्म देते हैं, इनके शरीर पर बाल होते हैं और इनके बाहरी कान होते हैं, उनके लिए हमने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया? मैमल, MMMAL, मैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट ले एग्स? इसमें आएगा डक, डियर और बफलो, ये दोनों ही बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एनिमल थ्रू द स्किन पैटर्न एंड दैट इज टाइगर। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो हम बात कर रहे थे टाइगर की। बच्चों यहाँ मैं बता दूँ, तीन और ऐसी कंट्रीज हैं जिनका नेशनल एनिमल टाइगर है, और उसमें से पहली कंट्री है मलेशिया। मलेशिया एक ऐसी कंट्री है जिसका नेशनल एनिमल टाइगर है। दूसरी है बांग्लादेश, और थर्ड कंट्री है हमारी वियतनाम और साउथ कोरिया। तो इन सब में टाइगर पाए जाते हैं और वे ये वहाँ का नेशनल एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट ले एग्स? इसमें आएगा लिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल दैट गिव बर्थ टू बेबीज? यहाँ आएगा कैट, क्योंकि स्नेक और लिजार्ड ये दोनों ही एग लेंगे एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द एनिमल शोन अबव लिव? टाइगर जो है बेटा वो फॉरेस्ट में भी रहता है और घास के मैदानों में भी रहता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, तो हमारा सही ऑप्शन होगा वाइल्ड फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। क्या आपने देखा आजकल टाइगर की संख्या में जो कमी आती है वो क्यों आती है? सबसे पहला इसका कारण आता है डीफॉरेस्टेशन। जब हम जंगलों को काट देते हैं तो टाइगर जो होते हैं इनका घर, क्योंकि इनको जंगल पसंद होते हैं, ग्रासलैंड पसंद होते हैं, इंसान क्या करता है मकान बनाने के लिए, खेती करने के लिए जंगलों को छोटा करता जा रहा है। तो क्या होता है, टाइगर की जो रहने की जगह है वो कम हो जाती है, इसलिए कई बार टाइगर जो होते हैं वो गाँव में भी आ जाते हैं। और दूसरी बात है इसका शिकार, टाइगर की खाल के लिए इसका शिकार किया जाता है और कई और जानवरों को मार दिया जाता है। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से टाइगरों की संख्या कम होती है। इसके साथ हमारे MCQ होते हैं फिनिश। मिलेंगे अगले चैप्टर में।